तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की मुख्य खबरों में, मुख्य हेडलाइंस में। आज 13 मार्च 2019 दिन बुधवार। दोस्तों, यह खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगी देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें, मनोरंजन से लेकर खेल जगत की सभी बड़ी खबरें, आम लोगों से जुड़ी सभी सामाजिक खबरें। जानिए भारत सरकार ने कौन से नए नियम लागू किए, जानेंगे इन सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही खबरों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी खबर की ओर। आज की हमारी सबसे पहली खबर निकल के आ रही है अयोध्या विवाद को। 3 सदस्यीय पैनल अयोध्या पहुंचा, अवध यूनिवर्सिटी में आज पहली बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए तय किया था 3 लोगों का पैनल। पैनल को मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 8 सप्ताह का समय। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर बातचीत से हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया 3 सदस्यीय पैनल मंगलवार को अयोध्या पहुंच गया है। बुधवार को अवध यूनिवर्सिटी में पैनल की पहली बैठक होगी। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, वायुसेना से आ रही है। लड़ाकू विमानों के लिए पाक चीन सीमा के करीब बनेंगे 110 शेल्टर, सुखोई 30B रखे जाएंगे। निर्माण में खर्च होंगे 5000 करोड़ रुपए। फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स यहाँ बिना किसी चिंता के रखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और मिसाइल के हमलों से वायुसेना के लड़ाकू विमानों को बचाने के लिए सरकार ने पाकिस्तान चीन सरहद के करीब 110 मजबूत शेल्टर बनाने की अनुमति दी है। सूत्र के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा लगता है कि पटाखों के बजाय गाड़ियों से होता है ज़्यादा प्रदूषण। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटाखों पर बैन के बाद कई नौकरियां गईं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कोई स्टडी है जो बताए प्रदूषण का जरिया? वहीं जो अगली खबर है, दांडी मार्च के 89 साल पूरे होने पर मोदी ने कहा, गांधी जी चाहते थे कांग्रेस भंग हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च के 89 साल पूरे होने पर ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने लिखा कि गांधीवाद के उल्ट विचार पेश करना कांग्रेस पार्टी की संस्कृति रही है। महात्मा गांधी कांग्रेस की संस्कृति को अच्छी तरह से पहचानते थे, इसलिए वे इसे भंग करना चाहते थे, खासकर 1947 में आज़ादी के बाद। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो अगली खबर निकल के आ रही है, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए थर्ड पार्टी ऐप वर्जन इस्तेमाल करने पर व्हाट्सएप बंद करेगा अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की यूजर्स चेतावनी, व्हाट्सएप प्लीज़ GB व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करें। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं थर्ड पार्टी द्वारा विकसित किए गए ऐप। बढ़ते हैं जो आज की अगली खबर की ओर, कोहली सहवाग और गंभीर का सम्मान कार्यक्रम रद्द, 10 लाख रुपए शहीद कोष में जमा होगा। DDCA ने पुलवामा हमले के कारण सम्मान कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया। भारत ऑस्ट्रेलिया के 5वें वनडे की सीरीज का आखिरी मैच आज होगा। तो आज की अगली खबर, सामने आए भारत की एयर स्ट्राइक के सबूत, आतंकी ठिकाने पर दिखे बम के निशान, सैटेलाइट इमेज में दिखाया हमले से पहले और बाद का नज़ारा। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले को लेकर कई विपक्षी दल सरकार से प्रूफ मांग रहे हैं। इसी बीच न्यूज चैनल टाइम्स नाउ और रिपब्लिक भारत ने पहली बार एयर स्ट्राइक के सबूत के तौर पर 12 तस्वीरें सामने रखी हैं। टाइम्स नाउ के सीक्रेट एयर फोर्स ऑपरेशन की तस्वीरों के आधार पर बताया गया है कि हवाई हमले के नुकसान के निशान स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो आज की अगली खबर, CBSE परीक्षार्थी घड़ी पहनकर जा सकेंगे केंद्र, नए 70वें पैटर्न में ही बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, छात्र छात्राओं की परेशानी को देखते हुए उठाया गया कदम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी अब परीक्षा हॉल में पानी की बोतल ले जा सकेंगे। इसके अलावा वे परीक्षा के दौरान घड़ी भी पहन सकेंगे। परीक्षा से पहले किसी भी छात्र के जूते उतरवाकर जांच नहीं की जाएगी। वहीं जो अगली खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी का एक और शर्मनाक बयान, आतंक के आका मसूद अजहर को जी कहकर पुकारा, आतंकवाद को दिया सम्मान, जनता में आक्रोश। राहुल गांधी के शर्मनाक बयान से बुरी फंसी कांग्रेस, देश भर में चौतरफा निंदा हो रही राहुल गांधी के शर्मनाक बयान की। दिल्ली में आज BJP मुख्यालय पर संकल्प पत्र समिति की बैठक हुई। संकल्प पत्र के सभी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। संकल्प समिति की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। इस समिति में BJP के कई दिग्गज नेता, गडकरी, जेटली, सुषमा सहित और कई नेता शामिल हुए। वहीं हमारी अगली खबर, एयर स्ट्राइक पर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा सरकार अगले महीने फिर करा सकती है एयर स्ट्राइक। साथ ही उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक कराने के लिए चुनावों को लंबा खींचा जा रहा है। वहीं हमारी अगली खबर, यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी करेगी। कांग्रेस चुनाव समिति की आज हुई बैठक।
वहीं अगली खबर, वहीं पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी के ऊपर किए गए सर्वे में निकल कर आया है कि देश की 51% जनता उनके इस काम से खुश है थी। आज की अगली बड़ी खबर, बिहार गढ़ महागठबंधन में कांग्रेस के महत्वाकांक्षी और नखरे से तंग राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीटों के तालमेल और आखिरी बातचीत के लिए कांग्रेस को 3-4 दिन का वक्त दिया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस हवा में दावे ना कर दलों का सम्मान करते हुए हैसियत के हिसाब से बात करें। आम आदमी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर निशाना साधते हुए आप पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को आतंक मुक्त बौना कहा। कुमार विश्वास ने कहा कि जमानत जब्त होने के डर से आतंक मुक्त बौने ने चुनाव घोषणा के दिन ही अमानत छोड़ दिया। आज की अगली बड़ी खबर, बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित और अहम सीट माने जाने वाली अमृतसर सीट पर कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। आज की अगली बड़ी खबर, पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव से बंद पड़ी टमाटर की सप्लाई पाकिस्तान को फिर से शुरू हो गई है। हालांकि आम रूट के बंद होने से यह टमाटर की सप्लाई ट्रेडर्स को महंगी पड़ रही है। सप्लाई खर्च अटारी बॉर्डर के मुकाबले 2-4 गुना बढ़ गया है। आज की अगली बड़ी खबर, युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में सुरक्षा कर्मियों की जान बचाने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के चिकित्सीय प्रयोगशाला ने कम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स की खोज की है, जो घायल सुरक्षा कर्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बहुत ही नाजुक समय को बढ़ाने में मदद करेगी। वहीं आज की अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनावों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा EVM मशीनों को और अपग्रेड किया गया है। बताया जा रहा है कि इन मशीनों में उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह के साथ हर एक उम्मीदवार की तस्वीर भी होगी और वहीं EVM मशीनों के साथ VVPAT मशीन भी लगी होगी। वहीं आज की अगली बड़ी खबर, दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध सामग्री आयात करने वाले देश भारत अब पहले पायदान से खिसक कर दूसरे पायदान पर चला गया। अब भारत की जगह सऊदी अरब ने ले ली है। वहीं आज की अगली बड़ी खबर, पाटीदार पार्टी के नेता हार्दिक पटेल आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हार्दिक पटेल आज गांधीनगर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आज की अगली बड़ी खबर, उड़ीसा के बालासोर तट पर भारत ने लंबी मारक क्षमता वाले दो रॉकेटों का सफल परीक्षण किया। आपकी जानकारी को बता दें कि ये रॉकेट पिनाका निर्देशित विस्तारित सीमा तकनीक से लैस हैं। आज की अगली बड़ी खबर, महंगी कार और ज्वेलरी खरीदना हो सकता है सस्ता। GST में TCS कैलकुलेशन को अब रखा जाएगा अलग। यदि आपको महंगी कार और ज्वेलरी का शौक है तो आपके लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। वहीं आज की अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस के गठबंधन पर मायावती बोली, किसी भी राज्य में बसपा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, सपा बसपा गठबंधन परफेक्ट है। वहीं आज की अगली बड़ी खबर, बिहार से NDA में हो सकता है सीटों का बंटवारा, गिरिराज समेत कई मंत्रियों के टिकट फंसे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही, तो मिलते हैं ऐसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।